और कल झारखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। अंतिम चरण में दौरे की जो तैयारी है वो चल रही है। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी के दौरे पर हमला भी बोला है। दौरे के समय पर इंडिया गठबंधन ने साधा निशाना। तो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन ने अभी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर जो निशाना है वो साधते नजर आ रहे हैं। और जब वो पहुंचेंगे तो कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे जिसमें वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे और इसी के साथ साथ झारखंड वासियों को कई सारे करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। तो कई सारे कार्यक्रम जो है पहले से प्रस्तावित हैं, उनके आने की तैयारी जोड़ों पर है और अंतिम तैयारी भी चल रही है। और प्रधानमंत्री के तैयार आने की तैयारी को लेकर शिवराज सिंह चौहान वो भी पहुंचे हैं, वो जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ लगातार सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था भी की जा रही ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि कल ही झारखंड दौरे पर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। जमशेदपुर पहुंचेंगे, कई कार्यक्रम उनका रखा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता विनोद केसरी हमारे साथ फोनलाइन से जुड़े हैं। विनोद केसरी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड आगमन होना है, क्या पूरी तैयारी है, क्योंकि कल कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, तो अभी से किस तरह की जो गतिविधियां हैं देखने को मिल रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर पूरे कार्यक्रम जो होना है, क्या कुछ पूरी तैयारी और रूपरेखा तय की गई है पीएम के कार्यक्रम को लेकर? जी राकेश, मैं बता दूं कि जमशेदपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री का आगमन होना है और निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे सुरक्षा को लेकर के, और 12 IPS DIG और 2 IG समेत कई पुलिस आला अधिकारी रहेंगे मौके पर और कई IAS रहेंगे और कई मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। बिस्टू रेलवे स्टेशन से लेकर गोपाल मैदान तक कड़ी सुरक्षा रहेगी। 9:50 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सुनारी एयरपोर्ट में होगा और इस दौरान शहर में नो एंट्री की भी व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल बोर्ड के अध्यक्ष सुमित कुमार भी आज पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि चाक चौबंद की पूरी व्यवस्था है और लोगों में भी उत्साह है, जो भाजपा कार्यकर्ता उनमें भी काफी उत्साह है, क्योंकि बीटूपुर से वोल्टास बिल्डिंग से लेकर गोपाल मैदान तक मोदी जी का रोड शो भी होना है, जिसको लेकर के ब्रिकेटिंग भी किया गया है। चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। SPT जो है वह जहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होना है वो अपने घेरे में रह चुके हैं और हर तरह से निगरानी रखे हुए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। यह तमाम व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर में कल दो करोड़ नए घरों के आवंटन कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान झारखंड के 46,000 लाभार्थी को नवनिर्मित घरों में गृह प्रवेश कराएंगे और उसके बाद लाभार्थियों को बीच स्वीकृति पत्र का भी वितरण के कार्यक्रम उनका होना है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़े सरकारी कार्यक्रम की आयोजन भी हो रहा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का जब 10:15 में सुबह वंदे भारत ट्रेन का वह शुभारंभ करेंगे, उसके दौरान जो परिसर होगा बाहर में रेलवे स्टेशन का, वहाँ भी सरकारी कार्यक्रम होना है ग्रामीण विकास विभाग की ओर से, तो उसमें भी शिरकत करेंगे। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।